हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है तो ज़रूर देखना। और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस ने स्टार्टिंग में डांस इंडिया डांस के अंदर ऑडिशन दिया था और बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते। लोगों को लगता है कि इनकी किस्मत यहाँ तक इनको लेके आई है, बट आपको ये ज़रूर जानना होगा कि किस्मत जब तक काम नहीं करती, जब तक मेहनत उसको आगे नहीं धकेलती। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस मोहिना कुमारी सिंह, और इनकी वीडियो आपको ज़रूर एक बार देखनी चाहिए जो कि मैं प्ले कर देता हूँ अभी। हालांकि इस वीडियो को मैं इंस्टाग्राम पे अपने तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर कहीं ना कहीं इनको वो जगह नहीं मिल पाई और उसके बाद इन्होंने एक्टिंग में अपना हाथ जमाया और काफ़ी पॉपुलर भी हुई। बट इस चीज़ से हमें यही सीखने को मिलता है, मैं ये बात बहुत दिनों से बोलना चाहता था बट मुझे लगता था कि चलो ठीक है नहीं बोलते। बट गाइस, मेरा फ़र्ज बनता है कि आपको सही से गाइडेंस करना, आपको बताना कि भाई चीज़ें चल क्या रही हैं। तो एक्टिंग के साथ अगर आप डांसिंग सिंगिंग भी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और जो लोग डांसर हैं उनको सिंगिंग और एक्टिंग भी करनी चाहिए। एक इंटरमीडिएट बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आप हर किसी में टॉप बन जाएं, बेस्ट बन जाएं, बट आप गुड या बेटर तो हर किसी पूरे के पूरे फील्ड में बन सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मल्टी टैलेंटेड नहीं हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो बात नहीं मिलेगी जो कि आप चाहते हैं और जिस अचीवमेंट को आप हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, इसको मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। जैसे BTS काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों पॉपुलर है, क्या रीज़न है उसके पीछे, ये मैं आपको बता दूँ। तो इसके पीछे एक बेसिक रीज़न है गाइज, वो लोग सिंगिंग के साथ डांसिंग करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, जो कि तीनों उनके काफ़ी ज़बरदस्त हैं, जिसकी वजह से वो इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दूसरा कुछ और एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। नेहा कक्कर, आपने देखा होगा, वो सिंगिंग काफ़ी अच्छा करती हैं, और क्यों इतनी फेमस हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, और इसके पीछे एक बेसिक रीज़न ये भी है कि सिंगिंग करते वक्त जिस तरह से वो एक्ट करती हैं, जिस तरह से स्माइल करती हैं, एक्टिंग करती हैं, जो कि उस सॉन्ग के अंदर जान डालता है, और इसकी वजह से ही वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी अच्छा उनका सॉन्ग लगता भी है, सुनने में भी, उनकी आवाज़ से भी और उनके रिएक्शन से भी। और भी आपको एग्जांपल देता हूँ गाइज, बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप MJ का नाम जानते हैं, माइकल जैक्सन काफ़ी लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी पॉपुलर रह चुके हैं अपने टाइम के, हालांकि अभी फ़िलहाल नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, बट फिर भी आपने देखा होगा माइकल जैक्सन सिंगिंग के साथ डांसिंग करते थे। बहुत सारे लोगों को आज तक कन्फ्यूज़न है कि वो अच्छे डांसर हैं या फिर अच्छे सिंगर थे जिसकी वजह से इतने पॉपुलर हुए। वो सिंगिंग के साथ डांसिंग करते थे या डांसिंग के साथ सिंगिंग करते थे, इस बात के लेकर काफ़ी बहसबाजी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ों में काफ़ी सही नज़र आते थे। और भी गाइस बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर मैं आपको बताने बैठूं तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो लोग सिंगर्स हैं उनको एक्टिंग आनी चाहिए, डांसिंग भी आनी चाहिए, और जो डांसर्स हैं उनको सिंगिंग और एक्टिंग भी आनी चाहिए, और जो एक्टर्स हैं उनको डांसिंग और सिंगिंग आनी चाहिए। आपने बहुत सारे एक्टर्स भी देखे होंगे, चाहे वरुण धवन हो, आलिया भट्ट हो। अब आप नेपोटिज्म को बीच में मत लाइए, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपने फील्ड्स के अंदर, अलग अलग फील्ड्स के अंदर भी जगह बना रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि सिंगर्स हैं उनको डांसिंग की ज़रूरत है, डांसर को सिंगिंग की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए और अपने फील्ड के अंदर माहिर भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि मल्टी टैलेंट की ज़रूरत आ रही है, लोग काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इंडस्ट्री के अंदर आपकी जगह, आपको इस करियर के अंदर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अपनी जगह बना पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। समझदार हैं जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो डेफिनेटली समझ गए होंगे। उनको और एग्जांपल देना, उनको और ज़्यादा कन्वेंस करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे, जिनको लगता है कि यार हम सिर्फ डांसिंग से, सिंगिंग से, एक्टिंग के बल पे वो अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, तो वो गलत सोच रहे हैं, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, ज़रूर कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आप
लोगों के कमेंट्स रीड करने का कि आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, जो मैंने आपके सामने ये चीज़ डिस्कस की है। हालांकि बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे इस बात को लेकर, और बट गाइज रियलिटी मुझे यही लगती है आज के इस एंटरटेनमेंट फील्ड, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको वाकई एक पॉपुलर पर्सन बनना है तो डेफिनेटली आपको इस बात को ज़रूर एक दिन बैठ के सोचना चाहिए। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ सिंगिंग, डांसिंग, रियलिटी शो, एडवर्टाइजमेंट, मॉडलिंग, ऑडिशंस बहुत सारे निकलते हैं, उनके अपडेट देता रहता हूँ जिससे कि आपको पता लग सके कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, कैसे आप किसी भी शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो सारी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आ जाइए, आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मैंने प्रोफेशनल पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम लिंक दिए हुए हैं, जिससे भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। और इस तरह की अपडेट अगर आपको जानना अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।